Hello students, this is the fourth part of your topic drug evaluation. So if we are talking about drug evaluation and being a fourth point, it has been summarized in very brief. क्योंकि अगर question आता है आपका 16 marks का भी तो भी ये बहुत कम marks के लिए valid होगा. तो I am just describing the points that you have to remember and just write out down. डिटेल में जो कैटेगरीज है वो जब हम आगे सिलेबस में जो डिटेल टॉपिक है लाइक फाइटोकॉन्स्टेंट्स उसमें मैं हर एक केमिकल टेस्ट डिटेल में अभी अगर बात करी जाए तो ये ड्रग इवैल्यूएशन में केमिकल इवैल्यूएशन है. केमिकल इवैल्यूएशन दैट मींस हाउ वी विल आइडेंटिफाई इट केमिकली कि ये वही केमिकल है या इस ड्रग में वही केमिकल प्रेजेंट है कि नहीं. तो इसको करने के लिए अगर हम ओवरऑल देखें वी हैव फोर मेथड्स. इंस्ट्रूमेंटल मेथड, केमिकल कॉन्स्टेंट्स, माइक्रोकेमिकल टेस्ट एंड इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट. सो ये आपका सब कैटेगरी थी केमिकल, उसके चार पॉइंट्स ये जिसमें कि पहला है इंस्ट्रूमेंटल मेथड. एज द नेम सजेस्ट इट इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड. इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग यूज्ड टू चेक द केमिकल प्रेजेंस to check the presence of those chemicals. So, instrumental methods में आता है colorimetry, fluorimetry, spectrophotometry. These are the methods in which instruments are used to check the presence of certain chemicals. इतना ही आपके लिए इस समय काफी. डिटेल में जाने के लिए आपके लिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिटेल में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं खुद भी ही जिसमें कि आपके सिलेबस में इतना रिक्वायरमेंट नहीं. So, if you will write instrumental method, and instrument, for example of instrumental method includes colorimetry, fluorimetry and spectrophotometry. एक छोटा सा आइडिया आपको दे देते हैं इसके में कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं उसमें हम रे ऑफ लाइट पास करवाते हैं और अगर प्रेजेंस होती है उस केमिकल की तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का आपको इंडिकेशन देता है. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स यूज करते हैं, फ्लोरीमेट्री में एक अलग मेथड है और कलरीमेट्री में भी सेम जैसे वर्ड आपको दिखा रहा है कलरीमेट्री कलर चेंज की वजह से हम उसको चेंज उस प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट दैट इज केमिकल कॉन्स्टेंट्स. ये आपके बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में आएगा केमिकल कॉन्स्टेंट्स जिसमें कि ये स्पेसिफिकली बिलोंग करता है लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल ड्रग्स. जो भी हमारे फार्माकोग्नोसी में फैट सॉल्युबल या लिपिड प्रोफाइल की ड्रग्स होती हैं ये टेस्ट उनके लिए होते हैं बेसिकली like iodine value, acid value, saponification value. So I'm not telling you the detail of these tests over here क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, इसलिए इसकी डिटेल आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे for your knowledge purpose. For here just remember the chemical constants and the chemical constant those includes iodine value, acid value, saponification value. ये oils और lipids category की plants के लिए apply. Coming to the third point, that is microchemical test. Microchemical test, again the word is micro, which means it uses microscopic studies. So, microchemical test में मैंने यहाँ word लिखा है histochemical detection. Histochemical detection में जैसे कि for example starch. सबको पता है starch gives blue black color with iodine. ये सबने test किया हुआ है, बहुत minor test है, बहुत initial level पे हम सीखते हैं. तो यहाँ माइक्रोकेमिकल टेस्ट में हमने इसको कैसे मेंशन किया है क्योंकि जिस भी ड्रग में स्टार्च होगा ऑर्गन्स पे हमने आयोडीन पुट कर दिया तो जहां जहां स्टार्च की प्रेजेंस होगी उस प्लांट के स्पेसिफिक ट्रांसवर्स सेक्शन में वहां ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा. सिमिलरली एल्यूरोन ग्रेन्स होते हैं वो आपको ब्राउनिश कलर देते हैं. फ्लोएम का कलर, जाइलम का कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फाइटोकेमिकल सॉल्यूशंस वो स्पेसिफिक टेस्ट देते हैं. तो ये हिस्टोकेमिकल डिटेक्शन कि जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है उसमें अगर वो केमिकल प्रेजेंट है तो वो किस टाइप का हमें रिएक्शन देंगे, दैट इज हिस्टोकेमिकल डिटेक्शन यूजिंग माइक्रोस्कोपिक केमिकल टेक्निक्स. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट दैट इज इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट. इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट आपको जब मैंने सिलेबस का ब्रीफ किया था तो मैंने आपको बताया था दैट वी विल बी डीलिंग विद इंडिविजुअल कैटेगरीज ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स. फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, स्टेरॉइड्स, टर्पेनॉइड्स,
टैनन्स, ये सारे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब कि उसी कैटेगरी का एक नेम रिएक्शन या टेस्ट कि हाँ अगर ये एल्कलॉइड है तो इसने ये ड्रग्स पे टेस्ट देना है, अगर ये ग्लाइकोसाइड्स है तो इसके ये ड्रग टेस्ट होंगे। तो फिर से अगेन यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दीज नेम्स फॉर योर आंसर पर्पस एंड अंडर ड्रग इवैल्यूएशन एंड डिटेल विल बी टेकन व्हेन वी विल स्टडी विद व्हेन वी विल बी डीलिंग विद एल्कलॉइड्स इन डिटेल और ग्लाइकोसाइड्स इन डिटेल। सो ओवर हियर एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स इंक्लूड्स मेयर्स टेस्ट, राइबेंड्रॉफ टेस्ट, एगर टेस्ट, वेगनर टेस्ट। Coming to the next point, that is glycosides. Glycoside has killer kalyani, Braun Traeger, Bagehot, Meagle test. Carbohydrate के केस में अगर बात करें तो Morrish test और Felling test होता है। Sugars के लिए test किए जाते हैं। Amino acids नाम आपने सुना ही होगा, उसके लिए हमारे जो test हैं, that is Millen's test, Ninhydrin test and Xanthoprotein test. Steroids के लिए name reaction होती है Salkowski and Lieberman-Gutjahr test. So ये सारी नेम रिएक्शंस हैं और यू कैन से द नेम ऑफ द टेस्ट व्हिच फॉल्स अंडर दीज कैटेगरीज ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। बिकॉज़ ये एक सब पार्ट है आपका मेन ड्रग इवैल्यूएशन का, इसलिए एक छोटा सा ब्रीफ है अभी इसका। डिटेल में जो भी टेस्ट होगा जिसके अंदर उसके रिएजेंट्स एंड द स्पेसिफिक कलर व्हिच इट प्रोड्यूसेस विल बी डील व्हेन वी विल बी टेकिंग इंडिविजुअल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो This was all about drug evaluation. A brief drug evaluation ka, morphological or organoleptic evaluation, microscopic evaluation, physical evaluation, and last, this is chemical evaluation. So, with all this, we will be finishing our topic, drug evaluation.